नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंध के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेकंड अध्याय विलयन प्रारंभ कर लिया था। और कल जो हमने जो क्लास में देखा था, विलयता को लेकर हमने चर्चा की थी और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक को लेकर हमने चर्चा की थी। और महत्वपूर्ण कारक जो मैंने कल छोड़ा था कि जो गैसों की जो द्रव में जो विलयता है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ हमने क्लास को जो है रोका था, या यूं कह सकते हैं समाप्त किया था कि यानी कि गैस जो है जब द्रव में घुलती है तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले। यानी गैसों की विलयता पर दाब का प्रभाव, गैसों की विलयता पर दाब का प्रभाव, इसको जो बताया था एक वैज्ञानिक हुए थे हेनरी, तो इसे अपन बोलते हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम, गैसों की विलयता पर दाब के प्रभाव को जो बताया था, किसने बताया था? हेनरी ने बताया था। किसने बताया था? हेनरी ने। देखो बहुत ही जी, इसको एक अपन सामान्य भाषा में समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक पात्र है, एक बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं, ये एक पात्र है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है या कोई द्रव भरा हुआ है? ये इसके अंदर भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सर जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल इसके अंदर भरा हुआ है। अब देखो यहां कुछ नहीं है ना, तो यहां क्या होगी यार, यहां क्या होगी? गैस के अणु होंगे ना। यहां क्या होंगे? ये गैस के अणु होंगे। कुछ नहीं है तो गैस के अणु होंगे। आप कहोगे सर गैस के अणु होंगे, बिल्कुल होंगे, थोड़े इसके अंदर होंगे थोड़े बाहर होंगे, इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो कि यहां मैं एक पिस्टन लगाता हूं, पिस्टन तो जानते हो पंप के अंदर होता है ना, हवा भरने वाला जो भी होता है, यहां पर मैंने एक लगा दिया पिस्टन। एक देसी भाषा में समझा रहा हूं, थोड़ी देर विज्ञान को भूल जाओ, ठीक है। ये है पिस्टन। अब मैं क्या करता हूं, इस पिस्टन को ऊपर से दबाता हूं, ठीक है। तो ये पिस्टन कहां आएगा? नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये पिस्टन कहां आएगा? नीचे आएगा। जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये गैस के जो अणु यहां आपको दिख रहे हैं ये भी कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे। अब नीचे जाएंगे तो किसके अंदर जाएंगे? आपको क्या सर? जल के अंदर जाएंगे। और कहां जाएंगे? ये जगह तो बची नहीं, यही जगह बची है, ये किसके अंदर जाएंगे? जल के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो ताप को क्या रखना है? स्थिर रखना है, ताप को नहीं बढ़ाना है। स्थिर ताप पर अपन क्या कर रहे हैं? दाब बढ़ा रहे हैं। तो गैस कहां जा रही है? जल के अंदर जा रही है, यानी द्रव के अंदर जा रही है। तो सीधी सी बात अपन कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने से गैस की विलयता दल जो द्रव के अंदर क्या होती है? बढ़ती है। तो इसको अपन हेनरी की भाषा में कैसे कहें? तो अपन कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर, सॉरी माफ कीजिएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता आरोपित दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। लिख लीजिएगा स्थिर ताप पर। ताप क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता आरोपित दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता आरोपित दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्लियर? अब मान ले कि जो गैस की जो विलयता है उसको अपन मान लेते हैं स्मॉल m, और आरोपित दाब को अपन क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं। माना कि गैस की जो विलयता कितनी है? स्मॉल m है और आरोपित दाब है p, तो अपन कह सकते हैं p समानुपाती क्या होगा? m होगा। होगा नहीं होगा? p समानुपाती m, क्योंकि आरोपित दाब तो क्या हो गया p, और स्मॉल m क्या है? गैस की विलयता, यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे गैस की विलयता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी स्थिर ताप पर गैस की विलयता आरोपित दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब मैं क्या करता हूं, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो यहां पर क्या लगेगा? एक स्थिरांक लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये के एच एम। यहां पर देखो ये तो पी तो क्या हो गया? आरोपित दाब हो गया। एम क्या हो गया? गैस की विलयता। और के एच यहां पर क्या हो जाएगा? हेनरी स्थिरांक। बहुत बढ़िया भाई, अपने खुद के नाम के स्थिरांक दे दिया। देखो तुम भी अगर कुछ अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे नाम का भी क्या बनेगा? स्थिरांक बनेगा। भारतीय नाम का जैसे मान लो कि क्या कह सकते हैं? रामलाल स्थिरांक, लादूलाल स्थिरांक, बेरुलाल स्थिरांक, जैसे भी अपन कहते हैं हेनरी का नियम। अगर मान लो यही, अगर मान लो अपने इधर आसिंध का कोई व्यक्ति होता या बिरुड़ा का कोई व्यक्ति होता है तो क्या होता? रामलाल का नियम या लादूलाल का नियम या बेरुलाल का नियम या बालूराम का नियम,
है, इस तरह से हो सकता नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये हो गया हेनरी स्थिरांक, केएच क्या हो गया हेनरी स्थिरांक। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और निकालते हैं अपन, देखिएगा ठीक है। अब ये कहता है कि वाष्प अवस्था में, यानी यदि गैसे क्या हो बहुत ज्यादा हो, गैसे क्या हो बहुत ज्यादा, एक गैस नहीं हो बहुत सारी गैसे, आपने पढ़ा होगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम 11th क्लास के अंदर, ठीक है। यदि गैसे क्या हो बहुत ज्यादा हो तो उस गैसों की जो विलयता होती है वो आंशिक दाब के क्या होती है या मोल अंश के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी वाष्प अवस्था में किसी गैस का जो आंशिक दाब है उस गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी वाष्प अवस्था में, यानी जब गैसे क्या हो ज्यादा हो, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, यानी जब गैसे क्या होगी ज्यादा होगी तो अपन किसकी गणना करेंगे, आंशिक दाब की गणना करेंगे। यानी वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब जो है उस गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी मोल अंश को अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, एक्स के द्वारा दर्शाते हैं। यानी वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पे भी अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P बराबर क्या लिख सकते हैं, के एच एक्स, ये भी अपन लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर अपन देखो यहां पर अगर बात की जाएगी जो के एच है, के एच की इकाई क्या होगी, ठीक है, तो अपन जानते हैं जो एक्स, एक्स यहां पर क्या है मोल अंश है, और मोल अंश क्या होता है इकाई विहीन यानी मात्रक विहीन राशि होती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो इकाई किसकी होगी दाब की होगी वही इकाई किसकी होगी के एच की होगी। यानी क्या हो सकती है, एटीएम हो सकती है या पास्कल हो सकती है या एम एम एच जी मिलीमीटर हाइड्रोजियम हो सकती है, ठीक है, या टोर भी कह सकते हैं अपन। तो जो इकाई किसकी होगी दाब की होगी वही किसकी होगी के एच की होगी, क्योंकि जो क्या है ये x जो है यहां पर क्या है एक मात्रक हीन राशि है, मोल अंश क्या होता है एक मात्रक हीन राशि होती है। अब देखते हैं अपन इसका कुछ ग्राफ बना के देखते हैं, देखिएगा इधर जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं इस तरह से, इधर ले लेता हूं मान लो मैं ये x ले लेता हूं मोल अंश, इधर ले लेता हूं ये आंशिक दाब, तो अपन जानते हैं यहां जैसे अपन देख सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा इस तरह से, कैसा बनेगा सीधा बनेगा, ये इसका क्या हो जाएगा ढाल हो जाएगा, यानी ये अपन कह सकते हैं थीटा, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका ऊपर क्या जाएगा ये P अपॉन X, ये अपन कह सकते हैं के एच बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन X। यानी यहां से एक संबंध अगर अपन देखें तो सीधा सा आप देख सकते हो कि जो अगर के एच, देखिएगा इसको ऐसे लिखता हूं X यानी मोल अंश है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं X यानी क्या हो जाएगा P अपॉन के एच, इसको ऐसे भी अपन कर सकते हैं, ये संबंध को आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोल अंश बढ़ेंगे तो के एच का मान क्या होगा घटेगा, मोल अंश बढ़ेंगे तो के एच का मान क्या होगा घटेगा, यानी हेनरी स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी घटेगी, हेनरी स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी घटेगी। अब अपन कहते हैं कि मोल अंश बढ़ रहा है, अगर मोल अंश बढ़ेगा तो गैस का जो मोल बढ़ेंगे तो मोल अंश बढ़ेगा, और जब मोल बढ़ेंगे तो गैस की विलयता भी क्या होगी बढ़ेगी, मोल बढ़ेंगे तो गैस की विलयता क्योंकि बढ़ेगा, ध्यान देखिएगा इधर इधर बता रहा हूं वापिस, अगर मोल की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की विलयता भी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है, यानी मोल बढ़ेंगे तो मोल अंश भी क्या होगा बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा तो के एच क्या होगा घटेगा, समझिएगा ध्यान से भी, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर गैस के मोल बढ़ेंगे तो गैस की विलयता क्या होगी बढ़ेगी, और अगर गैस के मोल बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मोल अंश भी बढ़ेगा, और मोल अंश बढ़ेगा तो अपन जानते हैं मोल अंश के देखो के एच के क्या है युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर अगर मोल अंश बढ़ेगा तो के एच क्या होगा घटेगा, यानी सीधी सी भाषा में अगर कह सकते के एच घटेगा तो विलयता क्या होगी बढ़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना है यहां पर, फिर बता रहा हूं मोल बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगी, मोल बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगी, और मोल बढ़ेंगे तो मोल अंश भी बढ़ेंगे, इसका मतलब अपन कह सकते हैं मोल अंश बढ़ेंगे तो विलयता क्या होगी बढ़ेगी, भाई मोल बढ़ेंगे विलयता बढ़ेगी, मोल बढ़ेगा तो मोल अंश बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा तो विलयता भी क्या होगी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन जब मोल अंश बढ़ेगा तो केएच क्या होगा घटेगा, केएच क्या होगा घटेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और जब ये बढ़ेगा तो विलयता क्या होगी बढ़ेगी, इसका मतलब केएच अगर बढ़ेगा तो विलयता भी क्या होगी बढ़ेगी, और यदि केएच बढ़ेगा तो विलयता क्या होगी घटेगी,
एच बटेगा तो विलयता क्या होगी, घटेगी। अब इसको व्यवस्थित तरीके से समझ लेना, इधर मैं बता देता हूं, इधर एक व्यवस्थित तरीके से बता रहा हूं कंप्लीट। यही है हेनरी का नियम, हो गया वैसे देखा जाए तो। देखो इधर, अगर मोल बढ़ेंगे तो विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। इसको ऐसे लिख देता हूं अपन, मोल बढ़ेंगे तो विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। यदि मोल बढ़ेंगे तो मोल अंश बढ़ेगा, मोल अंश भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझिएगा ध्यान से, देखो मोल बढ़ रहे हैं विलयता बढ़ रही है, मोल बढ़ रहा है तो मोल अंश भी बढ़ेगा। इसका मतलब, इसका सीधा संबंध हो सकता है ना, मोल अंश बढ़ेगा तो विलयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। यदि मोल अंश बढ़ेगा, यदि मोल अंश बढ़ेगा तो क्या होगा, केएच क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब ये बढ़ता है तो विलयता भी क्या होती है, बढ़ती है। मोल अंश बढ़ता है तो विलयता क्या होती है, बढ़ती है। अपन कह सकते हैं विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी आप यहां सीधा संबंध देख सकते हो, केएच घटेगा तो विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। केएच घटेगा तो विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिएगा यहां पर, जब ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है तो केएच भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब केएच बढ़ेगा तो विलयता क्या होगी, बताओ। अरे बोलो रे, क्या होगी, जब केएच बढ़ेगा तो विलयता क्या होगी। देखो, जब ये घटता है तो विलयता बढ़ती है, जब केएच बढ़ेगा तो विलयता क्या होगी, घटेगी। केएच बढ़ेगा तो विलयता क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ताप देने पर गैसों की द्रव में विलयता घटती है। कल पढ़ चुके थे, कल ये बात हमने चर्चा की, क्योंकि ताप देने पर गैस के जो अणु होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप देने पर गैस के जो अणु होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए क्या होती है, गैस के अणु द्रव की सतह को छोड़कर क्या होने लगते हैं, बाहर होने लगते हैं। गैस के जो अणु है द्रव की सतह को छोड़कर क्या होने लगते हैं, बाहर होने लगते हैं। विलयता क्या होती, घटती। अब देखो, यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं वे ध्रुवीय प्रदेश में ही जनन क्यों करते हैं। जलीय जीव जो होते हैं ये ध्रुवीय प्रदेशों में जनन क्यों करते हैं, या अधिकांश जो जलीय जीव है ये ध्रुवीय प्रदेश में क्यों पाए जाते हैं। देखो, ध्रुवीय प्रदेश का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये बीचों बीच जो रेखा होती है जिसे अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव। ये इस तरह कर्क रेखा, और ये कौन सी होती है, मकर रेखा। तो सूर्य 6 महीने तो यहाँ चमकता है, 6 महीने यहाँ चमकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, ठीक है, और यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, तिरछा पड़ता है। यानी सूर्य का प्रकाश वहां पर कम जाता है, इसलिए यहाँ पर ताप क्या रहता है, कम रहता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिकांश क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। इधर भी बर्फ और इधर भी बर्फ, यानी यहाँ का तापमान क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। अगर ताप कम होगा तो केएच भी क्या होगा, कम होगा। ताप कम होगा तो केएच कम होगा, केएच कम होगा तो विलयता क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी गैसों की विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो, जो जलीय जीव है, जलीय जीव को क्या चाहिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं तो चाहिए। ताप कम होगा तो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ताप कम होगा तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। जरूरी है रे बाबा। देखो इधर, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, यानी उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो जलीय जीव वहीं रहना पसंद करेंगे ना, जहां उनको आसानी से जल के अंदर क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो आप सीधा सा कह सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है कि जलीय जीव ध्रुवीय प्रदेशों में ही जनन क्यों करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन, ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान कम होता है जिसके कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण वो जलीय जीव आसानी से श्वसन कर सकते हैं। यही कारण है कि जलीय जीव ध्रुवीय प्रदेशों में जनन करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया सीधा सा फंडा लगाना है आपको कंप्लीट। ताप बढ़ेगा तो केएच बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा तो विलयता क्या होगी, घटेगी। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, हेनरी का नियम। अब अपन बात करते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग के बारे में, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न बनता है, हेनरी नियम का अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं। देखिए, देखो एक तो कि जो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर देखो
एक द्रव बहता है जिसे हम कहते हैं रक्त कहते हैं। हमारे शरीर में जो द्रव बहता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। ठीक है, अब देखो रक्त के अंदर क्या गुली होती है? ऑक्सीजन गुली होती है। और ये जो ऑक्सीजन गुली होती है किस सिद्धांत पर आधारित है? हेनरी के सिद्धांत पर ही आधारित। अपन कह सकते हैं कि हमारे शरीर में या हमारे शरीर के रक्त में गुली हुई ऑक्सीजन हेनरी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, दूसरा भी जैसे मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, आप कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ठीक है, बहुत तेज गर्मी है, आप देखते हो ये हाईवे के पास में एक होटल है, वहां आप जाते हो, उसको कहते हो भाई कोल्ड ड्रिंक्स दे, शीतल पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ, यानी पीने के लिए कुछ ठंडा चीज हो तो दे। ठीक है, जैसे आप खोलते गैस निकलती है उससे, कौन सी गैस है? वो CO2 गैस है। ठीक है, तो उस द्रव में भी जो गैस भरी जाती है, शीतल पेय पदार्थ में जो गैस भरी जाती है, सोडा वाटर के अंदर जो गैस भरी जाती है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? हेनरी सिद्धांत पर आधारित है। यानी दूसरा अपन कह सकते हैं कि शीतल पेय पदार्थों में भरी हुई CO2 हेनरी सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखिएगा, एक आता है एनोक्सिया रोग, ये है इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोग? एनोक्सिया रोग। अब देखो ये तो एक धरातल हो गया, क्या हो गया? धरातल। ठीक है, यहां कुछ लोग निवास कर रहे हैं इस जगह पे, यहां पे भी कुछ लोग निवास कर रहे हैं इस जगह पे। अब यहां पर ये एक पहाड़ी इलाका है, ये एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, यहां पे भी कुछ लोग निवास करते हैं, यहां पे भी किसी ने ढलान वाले क्षेत्र में घर बना रखे, यहां इसने ये तो इसने गजब ही कर दिया, पूरी चोटी भी बना दिया इस तरह से, इसने भी चोटी पे बना दिया कंपटीशन में। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, धरातल से ऊपर की तरफ चलते हैं, वायु दाब क्या होता है? कम होता है, यानी दाब कम होता है। दाब कम होगा तो रक्त के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे धरातल से ऊपर की तरफ चलते हैं दाब कम होता है, दाब कम होने के कारण रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब यहां से जैसे अपन जाएंगे, यानी यहां अगर पूछेगी, मान लो कि रामलाल यहां खड़ा है और लादूलाल यहां खड़ा है, अब तुम्हें पूछा जाए कि रामलाल के रक्त में ऑक्सीजन ज्यादा होगी या लादूलाल के रक्त में ज्यादा होगी, तुम कहोगे सर लादूलाल ऊपर खड़ा है, जैसे जैसे अपन धरातल से ऊपर की तरफ चलते हैं दाब कम होता है तो इसके रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, रक्त के अंदर घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से बहुत सारे उसके अंदर रोग हो जाते हैं, जैसे मान लो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उसको कम दिखाई देने लगता है, यानी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एनोक्सिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया रोग। अब आपको सर इसको लैंग्वेज में बताओ, समझ में तो आ गया कि जब अपन पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रोग जो लोग रहते हैं, वहां वायु दाब कम होने के कारण उसके उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उनको कम दिखाई देने लगता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? एनोक्सिया रोग कहते हैं। तो अब लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि एनोक्सिया रोग क्या है? तो अपन लिख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में वायु दाब कम होने के कारण उनके रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है तथा उनको कम दिखाई देने लगता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? एनोक्सिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोक्सिया रोग कहते हैं। अगला अपन देखते हैं, देखो जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं? कृत्रिम गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, उस कृत्रिम गैस के अंदर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, ये गैसें उसके अंदर भरी होती है। जैसे जैसे क्या करते हैं, वो जल के नीचे की तरफ जाते हैं, दाब क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। दाब बढ़ने के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी क्या होती है? हमारे रक्त के अंदर चली जाती है। नाइट्रोजन भी क्या होती है? रक्त के अंदर चली जाती है। अब ऑक्सीजन का तो क्या करेगी? कोशिकाएं उपयोग ले लेगी, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग होता नहीं। अब क्या होता है कि जब वो गोताखोर वापस क्या करता है, समुद्र तल से जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है तो वायु दाब क्या होने लगता है? वापस कम होने लगता है। ऐसे में क्या होती है कि रक्त के अंदर जो गैस घुली हुई थी, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? बाहर आने लगती है, और बाहर आने की वजह से उन गैस के क्या बनने लगते हैं? जैसे रक्तवाहिनी है ये, इस रक्तवाहिनी के अंदर नाइट्रोजन के क्या बन जाते हैं? बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बुलबुले। जिससे इसके अंदर इस प्रकार से क्या जाती है? सूजन आ जाती है इस तरह से रक्तवाहिनी के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। ठीक है, ये बेंड्स क्या होते हैं? बहुत ही क्या होते हैं? दर्दनाक होते हैं। बहुत ही क्या होता है? दर्द होता है। इसलिए ऐसे थोड़ी क्या मान लो कि मैंने सिलेंडर लटकाया और मैंने समुद्र के अंदर छलांग लगा दी, उसका सबका एक तरीका होता है। ठीक है, इसके लिए विशेष प्रकार की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। तो ये क्या हो गए? हेनरी नियम के क्या हो गए? अनुप्रयोग हो गए। अगला पूछा जा सकता है, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है? देखो
हेनरी नियम की सीमाएं में मौखिक तौर से बता देता हूं, दाब उच्च नहीं होना चाहिए, दाब जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, विलयन अति तनु नहीं होना चाहिए, विलयन ज्यादा तनु भी नहीं होना चाहिए, ताप अति निम्न यानी ताप इतना भी कम नहीं होना चाहिए। देखो दाब उच्च नहीं होना चाहिए, विलयन अति तनु नहीं होना चाहिए, ताप अति निम्न नहीं होना चाहिए, और जो गैस है गैस विलयन के साथ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, हेनरी नियम की सीमाएं है। तो लिख लीजिएगा हेनरी नियम की सीमाएं, दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप अति निम्न नहीं होना चाहिए, और क्या है, गैस जो है विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, गैस जो है विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी गैस जब उसके साथ क्रिया कर देगी तो विलयन का तो सवाल ही नहीं, अंदर को क्रिया हो गई हो तो भूली कहां हो, तो उसने अभिक्रिया कर ली, उसने क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली। तो इस प्रकार से ये इसके क्या हो गए, कुछ सीमाएं हो गई, ठीक है। तो ये हमारा एक जो टॉपिक रह रहा था कल की क्लास का, एक ही टॉपिक आज हम करेंगे, हेनरी का नियम, ये कंप्लीट होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़े रहिए अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंध के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कम समय में, बहुत ही कम समय में, लगभग एक महीने के अंदर जो सब्सक्राइब है हमने 1000 सब्सक्राइब को पार कर लिया, और जो वॉच टाइम जिसे हम कह सकते हैं 1500 घंटे से भी ज्यादा जो है वीडियो देखे जा चुके हैं। आपका जो विश्वास है ये हमें प्रेरणा देता है कि हम और से और ज्यादा आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तब तक पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।